मैं आज मेरी ज़िंदगी की वो रात के बारे में बोलने वाली हूँ जो रात आज भी मुझे डराती है। चाहे ज़िंदगी में कितना भी खुशियाँ आए, सुख आए, लेकिन वो रात को जितना तकलीफ़ मैंने झेली थी, जितना दुख मैंने झेला था, वो ये जन्म में नहीं भूल सकती। एक बार क्या हुआ, रात को 12 बजे मेरी नींद खुल गई। मेरा बच्चा 1 या 1.5 महीने का हुआ था। मैंने देखा कि मेरा बच्चा सुसुकर के फूल भीग गया है। वो उस रात मैंने उसको हगीज नहीं पहनाई थी, वो डेली पहना था। मैं उस रात क्या सोची, वो डेली पहनता है, आज थोड़ा रिलैक्स उसको छोड़ देती हूँ, वो हमेशा पहनना भी तो अच्छा नहीं होता, इसलिए मैं उसको नहीं पहनाई थी। मेरी नींद खुल गई तो मैंने देखा फूल भीग के वो फूल, उसका बॉडी कोल्ड हो चुका है। मैंने क्या किया, सड़न से उसका ऊल में जो आता है ना, उसका स्वेटर, ग्लोव्स, वो उसका सॉक्स, उसको मैंने एक एक डाला। मैंने वो एक बार भी नहीं पहना था, उसको गर्मी ज़्यादा लग रहा है हमेशा लगता था, इसलिए मैं नहीं पहनाई थी। उसको क्या किया, मैंने पहनाना स्टार्ट किया। जैसे पहनाना स्टार्ट किया, वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मेरे मम्मी क्या के दौड़ के दूसरे रूम से आ गई मेरे पास, बोले क्या हुआ। मैं बोले कुछ नहीं, वो ऐसे सूसू कर लिया था, मैं उसको पहना रही हूँ इसलिए वो रो रहा है। मेरी मम्मी बोले कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा तो नहीं रोता, वो दूसरे टाइप का रो रहा है। मैं बोली ऐसे कुछ नहीं है, तुम जाके सो जाओ। वो ऐसे ही मामूली से रो रहा है, वो ठंडा हो गया था ना इसलिए। मैंने जैसे एक एक उसका ग्लोव्स, उसका सॉक्स ऐसे पहना रही थी, मैंने नोटिस किया कि वो बॉडी का एक एक पार्ट उसका रेड रेड हो रहा है, मतलब फुल ब्लड जैसा। मैं यही सोच सोच कर उसको पहना रही थी, ऐसे ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे बहुत ज़ोर से रो रहा था, ऐसे ही रो रहा था। मैंने सोचा वो ना वो खा रहा था ना चुप हो रहा था, वो ऐसे ही रो रहा था। मैंने सोचा वो शायद ज़्यादा उसको कोल्ड हो गया है इसलिए वो रो रहा है। इसलिए मैंने ऐसा कर करके, मैंने जैसे ही उसका स्वेटर का एक हाथ डाला, मैंने नोटिस किया फुल बॉडी में वो ऐसा ब्लड जैसा कलर हो गया था, फुल रेड हो गया था, और बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मैंने वो कलर देख के मैं ज़ोर ज़ोर से रोई। मेरे हस्बैंड को उठाया कि मेरा बच्चा को क्या हो रहा है क्या हो रहा है, मैंने ऐसे ज़ोर से आवाज़ दी। तरह मेरे मम्मी पापा दूसरे रूम से आ गए, फिर से आ गए। आने के बाद हम देखा वो फूल ऐसे रेड हो गया है। रेड होने के बाद वो सड़न, मेरे हस्बैंड बोले उसका गर्मी लग रहा है, उसको निकाल दो। हम जैसे निकालने के बाद देखा वो 1 मिनट के अंदर मेरा बच्चा साइलेंट हो गया। साइलेंट मतलब उसका सांसें रुक गई थी, वो उसका आँखें ऐसे हो गया था, वो पलके नहीं झपका रहा था, फुल साइलेंट हो गया, किधर भी कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था। मैं जोर जोर से रोने लगी, सब लोग रोने लगे, मतलब बच्चा को क्या हो गया। मैं भगवान के नाम ले रही थी, मेरे बच्चा को बचा लो, क्या हो गया, एकदम से वो साइलेंट हो गया, किधर भी उसको सांसें बिल्कुल चुप हो चुकी थी, किधर भी कुछ मूवमेंट नहीं हो रही थी। मेरी मम्मी बोले जल्दी से गाड़ी निकालो, उसको हॉस्पिटल लेके जाना है। मेरे हस्बैंड गाड़ी निकाले, निकालने से पहले एक बार उसको ऐसे हाथ में लगाया, मेरे बाबा ऐसे बोल के वो रोए। मैं बोली वो तुम रोगे तो गाड़ी चला नहीं पाओगे, तब हमारे पास बाइक ही था, कार नहीं था, तो वो ऐसे के वो गाड़ी निकाले, हम गाड़ी से ऐसे निकल पड़े बच्चा को लेके। मेरी मम्मी पापा घर पर थे, हम मेरे हस्बैंड और मैं मेरे बच्चा को लेके गए। बहुत मैं बोल रही थी स्पीड में गाड़ी चलाओ, बहुत स्पीड गाड़ी चला रहे थे वो। घर से हॉस्पिटल मिनिमम 20 से 30 किलोमीटर था। हम उसके बच्चे को फुल नंगे कर दिए थे, वो सारे कपड़ा निकाल दिए थे। मैं घर से निकलने से पहले भगवान को एक बार दिखाया, मेरे भगवान की जो पूजा के घर है उधर दिखाया, मेरे बच्चा को लेके जा रही हूँ, मेरे बच्चा को सही सलामत घर लेके आना। मैंने ऐसा करके या मेरे मम्मी मेरे पापा जोर जोर से रो रहे थे, सब लोग हमें से रो रहे थे। फिर हम उसको लेके गए, बहुत स्पीड था गाड़ी, वो एक बड़ा सा हाफ था, उधर मैं बच्चा के साथ गिरने वाली थी, लास्ट मोमेंट में मैं संभल गई। फिर हस्बैंड ने थोड़ा स्लो किया गाड़ी, मैं बोले नहीं फिर से और स्पीड चलाओ। मैं फुल रोड भर बड़बड़ा रही थी, सारे भगवान के नाम ले रही थी, दुनिया के सारे भगवान के नाम ले रही थी, कोई तो मेरे बच्चा का बचा लो। मैं ऐसे रो रही थी, अगर लेना ही था मुझे क्यों दिया बच्चा, सारे ज़िंदगी में ऐसे बांझ होके निकाल देती। मैं ऐसे रो रही थी, मेरे बच्चा को कोई तो बचा लो मेरे भगवान। मैं ऐसे रो रही थी, मेरे बच्चा को मुंह में देख रही थी, कुछ तो हो जाए, कुछ तो मूवमेंट कर ले, एक बार मुझे माँ बुला ले। मैं ऐसे रो रह के जा रही थी। जैसे हॉस्पिटल के गेट हम टच किया, मैंने देखा मेरा नज़र फिर मेरे बच्चा के मुंह पर था, फुल रोड पर मैं उसी को देख रही थी और रो रही थी, लेकिन मुंह पर भगवान का नाम था, पूरा भरोसा था।
मेरा भगवान मेरे बच्चा को कुछ होने नहीं देंगे। जैसे ही मैंने टच किया वो गेट, मेरा बच्चा एक बार पल के झपकाया। मैंने हस्बैंड को बोला हमारा बच्चा को होश आ गया है। फिर वो क्या क्या उधर ही गाड़ी रख के हम दौड़ने लगे इमरजेंसी में। वो सिक्योरिटी आ गया, बोला इधर गाड़ी नहीं रखना, वो पार्किंग एरिया में रखो। मैं वो रो जोर जोर से रो रही थी। मेरा रोना का ये देख के वो बोला ठीक है ठीक, तुम जाओ बाद में गाड़ी पार्किंग कर लेना। हम ऐसे रो के दौड़ दौड़ के इमरजेंसी में गए। इमरजेंसी में जाने के बाद उधर फॉर्मेलिटी होते हैं, बच्चा को क्या हुआ कितना साल है, फॉर्म वगैरह उसको फिलअप करना पड़ता है। लेकिन वो करने से पहले मेरा बच्चा का पहले ही ट्रीटमेंट कर लिया, उसको ऑक्सीजन वगैरह लगा लिया। वो एक मिनट के अंदर डॉक्टर आ गए दौड़ के, नींद से आ गए। डॉक्टर आने से पहले ही मेरे बच्चा का ट्रीटमेंट हो गया, मतलब स्टार्ट कर लिया। वो मेरे वो एक साइड में मेरे हस्बैंड वो सारे फॉर्मेलिटी मेंटेन कर रहे थे। मैं ऐसे रो रही थी, मेरे बच्चा का ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। जैसे ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ होने से मतलब उसको ऑक्सीजन लगाया तो मेरा बच्चा एक बार मुझे देख के हंस लिया। मतलब जैसे मुझे वो कहना चाहता था कि माँ मैं ठीक हूँ, तो चिंता मत कर मैं ठीक हो जाऊँगा जल्दी, ऐसे मैंने वो हंस लिया एक बार। उसके बाद सलाइन वगैरह उसको लगा, मुझे लगा नहीं मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। फिर क्या क्या मैंने वो सांसें चलने लगी, कंटिन्यू होने लगा। होने के बाद डॉक्टर आके सभी पूछने लगे। फिर मैंने मम्मी को फ़ोन किया कि बच्चा अभी ठीक है। मुझे मालूम था वो नहीं बताएंगे तो वो रो रो के मर जाएगी। मेरी मम्मी ऐसे ही रो रही थी जोर जोर के। मैं बोली बच्चा अभी ठीक है, तुम रोना बंद करो, बस भगवान से प्रेयर करो। फिर क्या हुआ, वो धीरे धीरे उसको होश आने लगा। वो रात भर ऐसे ही चला, वो मतलब वो उसको सांसें चलने लग रही थी। चलने के बाद वो सुबह सुबह उठ के दूध पिया, फिर मेरा बच्चा ठीक हुआ। दो दिन में वो डिस्चार्ज कर दिए। वो उस दिन क्या हुआ था वो मालूम नहीं, डॉक्टर बोले उसको फिर से आया था, या तो वो गर्मी की वजह से ऐसे हो रहा था, या तो हम क्या क्या था उसको दिए थे, उसको तो तबीयत ख़राब रहता था हमेशा। हम उसको हमेशा एलोपैथिक मेडिसिन देते थे। मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया उसको मामूली बीमारी मतलब जैसे ठंडा वगैरह के लिए तुम उसको ऐसे एलोपैथिक मत दिया करो, उसको ज़्यादा ये हो जाएगा, बच्चा पतला है, उसको तुम जब सीरियस कंडीशन होगा तो जब फीवर वगैरह होगा उसको लेके जाओ हॉस्पिटल, नहीं तो मामूली के लिए तुम उसको होम्योपैथी का दवा दे दो। हम उस दिन एक बार उसको होम्योपैथी स्टार्ट किया था फर्स्ट। डॉक्टर बोले या तो उसे वो मेडिसिन का कोई नाम नहीं होता, वो डॉक्टर हमको गाली दिए, वो वो क्या दिया तुमको कुछ मालूम है क्या, ऐसे कुछ कोई सजेस्ट करेगा कि डॉक्टर के बिना परमिशन लगे तुम कुछ भी खिला देते, वो शायद उसकी वजह से हुआ, या तो उसको फिर से आया था, कुछ मालूम नहीं पड़ा। लेकिन मेरा बच्चा ठीक हो गया था। पता नहीं अगर वो ट्रीटमेंट होने के बाद मेरा बच्चा ठीक होता तो मुझे क्या मालूम पड़ता है, डॉक्टर ठीक कर दिए। लेकिन वो हॉस्पिटल को टच करने से पहले ही मेरा बच्चा को होश आ गया था। भगवान यही मुझे मतलब इशारा कर रहे थे कि मैं हूँ, मेडिकल साइंसिस दुनिया के सारे मेडिकल साइंसिस मेरे पास पहले, मैं ही उसको ठीक किया हूँ, मैं जब तक हूँ तुमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा भरोसा भगवान के ऊपर करता हूँ और भगवान मुझे हमेशा ही बचाते हैं, मुझे पूरा भरोसा है हमेशा मेरे भगवान ही मेरा साथ देंगे और आगे ही ऐसे ही साथ देंगे। जिसका भगवान साथ देंगे ना एक बार तो उसको मौत को छू कर भी चला जाएगा, वो कुछ नहीं होगा उसको।